इंदौर में भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए पत्रकारों से चर्चा की, जहां उन्होंने कमलनाथ के विधायक खरीदी के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी से अब अपने विधायक नहीं संभल रहे हैं तो भाजपा इसमें क्या करे। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस को डूबता जहाज बताते हुए कहा कि अब कांग्रेस पार्टी से नेताओं का मोह भंग हो गया है, जिसके चलते एक के बाद एक विधायक और कार्यकर्ता कांग्रेस से किनारा करने में जुटे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस का नेतृत्व है, चाहे केंद्र का हो चाहे प्रदेश का, उसके प्रति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विश्वास दे रहा है, उसके कारण ये परिस्थितियाँ पैदा हो रही। तो जितने भी नौजवान हैं कांग्रेस के अंदर, वो अपना भविष्य असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी, जैसे राहुल गांधी जी का बिहार की सभा में दिया गया भाषण कि चीन की सेना 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर अंदर घुस गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दो। अब इतना गैर जिम्मेदाराना बयान है ये तो सेना का अपमान है। वो सैनिक जो अपना परिवार छोड़कर देश की सीमा पे अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, उनका अपमान है। तो कांग्रेस के नेता जिस प्रकार का बयान देते हैं, देश के नेता, प्रदेश के भी नेताओं ने जिस प्रकार का महिलाओं के असम्मान के लिए बयान दिया, तो कांग्रेस में ही आपस में क्रिटिसिज्म हो रहा है। कमलनाथ जी के बयान पर राहुल जी ने क्रिटिसिज्म किया, तो कुल मिलाकर नेतृत्व के प्रति आस्था कम हो रही, इसलिए बहुत सारे अभी भी लोग हैं जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी आना चाहते हैं।